गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन में हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारी 10th क्लास का जो टॉपिक है वो है टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री क्या होती है? टिक्नोमेट्री उस पर डिस्कस करते हैं। टिक्नोमेट्री इज विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। टिक्नोमेट्री क्या करती है? ट्राइंगल्स के टिक्नोमेट्री में होता क्या है? टिक्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की जो एंगल्स होते हैं और उनकी जो साइड होती है उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद द वर्ड टिक्नोमेट्री इज डिवाइड। जो टिक्नोमेट्री है ये डिवाइड हुआ हुआ है, डिवाइड फ्रॉम द थ्री ग्रीक वर्ड्स। तीन ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ। पहला वर्ड है ट्राइ मीनिंग मतलब टी, गुनिया मतलब एंगल और मेट्रॉन मतलब मेजर। जब हम तीनों वर्ड को कनेक्ट कर देते हैं या इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है कि तीन साइड का मेजरमेंट या तीन एंगल्स का मेजरमेंट की बात करते हैं तो उस वर्ड को तीनों वर्ड से मिलकर जो बना वर्ड है वो है टिक्नोमेट्री। ठीक है, द टिक्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। टिक्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स। टिक्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आगे चलते हैं, स्टडी क्या देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपना टिक्नोमेट्री के अंदर, टिक्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही फॉलो की जाती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका एक्यूट एंगल, इसके जो सामने वाली साइड होती है ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और 90 के अपोजिट हमेशा आपको क्या नजर आएगा? हाइपोटेनस नजर आता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी होगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये एक हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्राइंगल पर फॉलो होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं टिक्नोमेट्री रेशियोस पर। क्या चीज होती है टिक्नोमेट्री रेशियो? द टिक्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल is a right triangle express the relationship between the angle and the length of the side. Trigonometry ratios right angle triangle के अंदर angle और जो उनकी side होती है उनके बीच में क्या बताता है? Relationship को represent करता है। तो trigonometry ratios relation होता है right angle triangle के अंदर उसके angles एंड द लेंथ ऑफ साइड। ये क्या कहलाता है? टिक्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। अब टिक्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द sin ऑफ एंगल थीटा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा cos थीटा, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ cosine ऑफ एंगल थीटा। एंड tan थीटा is the short form of the tangent of angle theta, and cot theta short form of the cotangent of angle theta, and the sec theta is the short form of secant of angle theta, and cosec theta is the short form of cosec of angle theta. ये इनके जो sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec and cosec हैं, ये short form हैं sin, कोसाइन, टेंजेंट, एंगल ऑफ थीटा, इन सब के ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर क्या रिलेशन है एंगल और साइड में। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन दोनों का जो फ्रैक्शन या रेशियो होता है वो रेशियो क्या बोलते हैं? उस रेशियो को साइन थीटा बोला जाता है। कॉस थीटा इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा होता है।
टेन थीटा, टेन थीटा क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी होता है एंड सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है इसके अंदर। द रेशियोज जो टिग्नोमेट्री रेशियोज पड़े आपने कॉसेक सेक एंड कॉट आर रिस्पेक्टफुली आर रेसिप्रोकल्स, ये तीनों जो होते हैं ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, किसके रेसिप्रोकल होते हैं साइन के कॉस के और टेन के, ये टिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं आपके ये तीनों ही साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा ये कॉसेक सेक एंड टेन ये तीनों ही इसके क्या होते हैं रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो चलते हैं आगे देखें क्या है आगे, तो नेक्स्ट है आगे देखें साइन एंड कॉस टिग्नोमेट्री रेशियो आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, साइन और जो कॉसेक होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, यहां पर साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आगे देखते हैं तो ये डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है कॉस एंड सेक टिग्नोमेट्री रेशियोज आर रेसिप्रोकल, तो यहां पर कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा होता है और sec theta is equal to 1 upon cos theta होता है। Divide की value multiply में आएगी तो sec theta into cos theta is equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। Similarly अगर हम आगे चलते हैं तो tan and cot are tan and cot trigonometric ratios are reciprocal to each other, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं reciprocal होते हैं, इसलिए tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta and divide की value जैसे multiply में आएगी तो tan theta into cot theta is equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ identities हुई हमारे पास, तो क्या है sin theta 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta होता है और sec theta is equal to 1 upon cos theta होता है, tan theta is equal to 1 upon cot theta होता है और cot theta is equal to 1 upon tan theta। तो ये कुछ reciprocal identities है जो आपको learn करनी है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फेज पे। अब हम द टेबल ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स की बात करें, यहां पर आपके एक टिग्नोमेट्री टेबल बनी हुई है, साइन थीटा 0 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है हाफ, 30 को हम रेडियन की फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे पाई बाय 6, 45 पर रेडियन की फॉर्म को बोलते हैं रेडियन फॉर्म में बोलते हैं पाई बाय 4 और उसकी वैल्यू होती है 1 बाय रूट टू, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होती है वो रूट 3 बाय 2 होती है, रेडियन की फॉर्म में बोलते हैं उसको पाई बाय 3, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन की फॉर्म में और उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ऐसे हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2 एंड cos 90 का वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। tan tan की जो वैल्यू है 0 पर क्या होती है 0 होती है, उसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 का वैल्यू रूट 3, cot 45 का वैल्यू 1 होगा, cot 60 का वैल्यू 1 बाय रूट 3, cot 90 का वैल्यू 0 होगा। sec
जीरो डिग्री का वैल्यू वन होगा, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होगा, सेक 45 का वैल्यू √2 होगा एंड सेक 60 का वैल्यू 2 होगा एंड सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। कॉसेक बच्चों कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होगा, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होगा और कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होगा और कॉसेक 90 का वैल्यू 1 होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी वैल्यू कैसे आ रही है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हम यहां ये निकालने वाले हैं कि साइन 30 की वैल्यू आपको जो नजर आ रही है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है इसके बारे में पता करते हैं। तो आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये ट्राइंगल है सिंपली ABCA BC और ये जो ट्राइंगल है मेरा इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। उसके बाद मैं यहां पर एक क्या ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और ये पॉइंट हो जाएगा D और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है इसलिए ये कितने डिग्री का एंगल होगा 60 डिग्री का एंगल होगा और ये कितने डिग्री का एंगल होगा यहां पर 30 डिग्री का एंगल होगा। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है और इक्विलेटर ट्राइंगल है तो स्टूडेंट्स इसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम ये साइड को एज्यूम कर लेते हैं 2a, लेट कर लेता हूं ये भी साइड मेरी कितनी है 2a और ये भी टोटल साइड 2a, इसका हाफ हो जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी a और ये भी कितनी हो जाएगी a हो जाएगा। ए डी बी में बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p² हाइपोटेनस 90 के अपोजिट 2a और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो जाएगा हमारा a² + perpendicular क्या होगा यहाँ पर ad का स्क्वायर 4a² + अंदर आ जाएगा -a² = ad² तो ad का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3a² ad स्क्वायर रहेगा रूट लगेगा 3a² तो ad का क्या वैल्यू मिला √3। अब हम वैल्यू निकालते हैं साइन 60 तो यहां मैं लिखता हूं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये जो रेशियो नजर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का P/H ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका है स्टूडेंट्स साइन का होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास P/H। इस ट्राइंगल में आ जाते हैं 60 डिग्री मेरा 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AD/hypotenuse 90 के अपोजिट हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है आपके पास a√3 हो गया a√3/AB और AB का वैल्यू क्या नजर आ रहा है आपको 2a a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है √3/2। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि जो टेबल के अंदर साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है वो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी लिखी हुई है √3/2। तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ रही है √3/2 आ रही है। इसी तरह से हम इसके अंदर साइन जो 30 होता है उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन अगर हम 30 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वही P/H। अब आप देखेंगे कि एक्यूट एंगल यहां पर एंगल यहां है 30 तो उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है b
बी डी अपॉन हाइपोटेनिस की वैल्यू, हाइपोटेनिस है ए बी, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास परपेंडिकुलर बी डी, और बी डी का वैल्यू है ए रूट थ्री, सॉरी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है आपका ए, ये हो जाएगा यहाँ पर ए, और ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 2a, a से a कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आ गई, 1/2 आ गई, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई है रूट 3/2 आ गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी तरह से हम कोई भी यहाँ पर 60 और 30 के कोई भी अगर एंगल कैलकुलेट कर, वैल्यू कैलकुलेट करिए किसी एंगल के लिए, बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि साइन और कोसाइन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो रेसिप्रोकल होते, आप यहाँ पर नजर आ रहा होगा साफ कि ये साइन 60 डिग्री की रूट 3/2, तो यहाँ क्या हो रही है 2/√3 हो जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। और इसी तरह से साइन 1/2 है 30 डिग्री, तो कॉसेक के अंदर उसका रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाता है 2 हो जाता है। उसके बाद इसी तरह से मैं आपको कॉस की भी निकाल के बता देता हूं कि कॉस की अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए 30 और 60 की, तो क्या होगी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू वही बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस 9, जो एंगल होता है उसके अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया एडी, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है एबी, एबी, तो कॉस 30 इज इक्वल टू एडी, एडी का वैल्यू कितना है ए रूट 3, इसका वैल्यू कितना है 2a, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, तो आप देख रहे हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, और इसी तरह से cos 60 की वैल्यू भी क्या निकाली जा सकती है 1/2 निकाली जा सकती है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम निकालने वाले हैं 45 की वैल्यू, कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, इन सभी की वैल्यू आपको बताई जाएगी, और आगे इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है चैप्टर में वो कराए जाएंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।